जी थोड़ा सा इधर हल्का सा। हाँ गुदोलिया कोई लाइन लग रही है 2-3 की और इधर चौक की तरफ लोग चले जाते हैं। शिवरात्रि का हाल रहता है वही हाल धनतेरस को रहता है। भीड़ बहुत होती है। इसके अंदर लोग जाएंगे और इसके अंदर मंदिर है, इसके अंदर दर्शन करेंगे और इससे बाहर हो जाएंगे और एक सीढ़ी उधर बनेगी, ऐसी उसको सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे और उधर उतरते मैडम को दिखाई देगी तो उधर कालका गली होती है। सिंह द्वार से फिर दर्शन ये धनतेरस के दिन से माता अन्नपूर्णा मंदिर जी का भव्य दर्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसे काफ़ी शुभ माना जाता है और इसमें पूरे भारतवर्ष से कई श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ रहती है। दर्शन सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और रात को 11 बजे तक चलते हैं। इन्हीं सबकी व्यवस्थाओं के लिए मंदिर प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पूरा हमने निरीक्षण किया है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं जो बाद में बांधी जाती हैं वो भी यहाँ पे देख ली गई हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी देख लिए गए हैं और जो जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है जिससे गुदोलिया से सीमित संख्या में ही यहाँ पे दर्शनार्थी आ सके ताकि सभी के सुगम दर्शन हो सके और सभी को एक जो यहाँ का जो प्रसाद है जो खजाना जिसे कहते हैं वो सभी को प्राप्त हो सके। भारी भीड़ को देखते हुए क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से मुक्ति वगैरह होता है कि वो किस तरह से दर्शन के लिए आ रहे हैं? यहाँ पे 2 बैरिकेडिंग्स बनाई जाएंगी जिसमें 2 लाइनें रहेंगी और इसमें लिमिटेड रोक के ही लोगों को मंदिर में छोड़ा जाएगा जिससे कि सीमित संख्या में ही मंदिर में प्रवेश करें लोग और अच्छे से दर्शन करके फिर वापस जा सके।